मुझे इतना तो पता है कि आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैंक अकाउंट हमसे लिंक करते नहीं बनते यार। चलाना तो चाहते हैं हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम, किसी को पैसे भेजने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम गूगल पे बताएंगे, गूगल पे पर कैसे आप लोग अपना बैंक अकाउंट को लिंक करोगे। बिल्कुल आसान तरीका, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा कमाल का होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। मनीष एडवाइस, हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो आंगी मिलाएंगे इसी चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, मेरे पास मेरा गूगल पे अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर सिंपल दोस्तों मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा और यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। ये अकाउंट को मैं सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आपकी ईमेल आईडी आएगी, तो आपकी जिस भी ईमेल आईडी से आप अकाउंट सेटअप करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक करके सेट कर लेना इस तरीके से, और सिंपल एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। ये फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो रहा है गूगल पे पर, ठीक है ना। ये फाइंड कर रहा है क्या गूगल पे के लिए ये फ़ोन सूटेबल है कि नहीं। OTP आएगी आपके फ़ोन नंबर पर, OTP ऑटोमेटिक डल जाएगी अपने आप, ठीक है। नहीं डलती तो देख के डाल देना। सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमारा सिक्योर गूगल पे आ रहा है, और यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा गूगल पे को। जब भी आप ओपन करोगे कि आपको स्क्रीन लॉक चाहिए कि आप पिन डाल के आप इसको हमेशा चालू करोगे, तो यहाँ पर यूज़ फॉर स्क्रीन लॉक पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैं पिन एंटर करूँगा, मेरे पिन ये है, मैंने सेट कर दिया। अब ये मेरा गूगल पे अकाउंट ओपन हो गया। सिंपल यहाँ पर देखो, फिलहाल मैं नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा गूगल पे अकाउंट ओपन तो हो चुका है, फिलहाल यहाँ पर हमारा हमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना है, लोगों पर नीचे आना है, आप सेंड मनी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके बैंक्स आएंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, आप परमिशन दीजिए अपनी फ़ोन की। इस तरीके से हमने परमिशन दे दिया, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपको सिंपल कंटिन्यू में क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, SMS को भी अलाउ करना है। ये आपके पास आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP सेंड करेगा मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये गूगल जो है, गूगल पे जो है, ये वेरीफाई कर रहा है आपका फ़ोन नंबर आपके बैंक से कि लिंक है कि नहीं है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये हमारा SMS आ चुका है, यानी हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हमारे बैंक पर लिंक है। एडिंग बैंक अकाउंट लिख के आ रहा है, और ये थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, थोड़ा टाइम लग सकता है 1 से। यहाँ पर देखो हमारा फ़ोन नंबर जो है, हमारा बैंक जो है वो लिंक हो चुका है। सिंपल कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने बैंक पर जाएंगे, हमारा बैंक देखो सामने आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमारा बैंक अकाउंट फाइनली गूगल पे पर लिंक हो चुका है। अगर आपको अपना UPI पिन नहीं पता कि पिन क्या होता है, कैसे पिन को सेट करें, तो आप लोग, मैं एक वीडियो लिंक आपको एक वीडियो को लिंक दूंगा, आप देख के अपना UPI पिन सेट कर सकते हो गूगल पे पर, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीख लिया कि गूगल पे पर बैंक अकाउंट को लिंक कैसे किया जाता है। तो भाई चलिए, मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर।